मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। आदाब नमस्कार, मैं हूँ दीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल। जी हाँ, जैसे कि दिल्ली में पानी के बाढ़ का इतना खतरा हो गया है, जैसे ही कि आप सामने देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये सामने लाल किला भी जलमग्न है। देखिए सामने लाल किला भी जलमग्न है और ये है हालात आपकी यमुना नदी के। जी हाँ, इसके ऊपर जो किस कदर पब्लिक अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ का हाल देख रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये देख रही है पब्लिक, देखिए किस कदर पानी यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा मसला ये है कि पानी का इतना बहाव, शायद दिल्ली खतरे के निशान पर चल रही है और यहाँ पर जो भी आता है देखने वाला अपनी जान खतरे में डालकर ही देखता है इस खतरनाक मंजर को। क्योंकि दिल्ली में जो है यमुना का पानी कहीं हाथीकुंड जो होता है वहाँ से छूटता है और ये जो यमुना का लोहे का पुल है, जी हाँ, उस पे को भी छू रहा है। देखिए यमुना के पुल को, जहाँ पर ट्रेन चलती है उसके नीचे का हिस्सा जलमग्न हो चुका है। देखिए जहाँ पर हमारी सवारी चलती हैं, यहाँ पर ऑटो रिक्शा और जो भी सवारी हैं जिससे हम दिल्ली में प्रवेश करते हैं, और ये नया जो पुल बना, देखिए उसके बिल्कुल पास में ही आ गया है। देखिए ये पुल काफ़ी ऊंचाई पर थे लेकिन इसके बराबर से बह रहा है और ये जो पुल है अंदर से पानी निकल रहा है पुल के अंदर से और नीचे जा रहा है। दर्शकों को वही मंजर नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस कदर खतरा है यहाँ पर, ये कितना पानी का बहाव है और ये पानी का बहाव यमुना के पुल से होता हुआ नीचे को जा रहा है। यहाँ पर कितनी परेशानी का सामना है कि ये पुल भी बंद कर दिया गया है, इस पर कोई वाहन नहीं आ जा रहा है और ये सामने देखिए कितना जलमग्न एरिया है। हम आपको दिल्ली के काफ़ी क्षेत्र को हम आपको जलमग्न होते हुए दिखा रहे हैं। वहीं पर जो है आपका जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है उसके भी ये सीन दिखा रहे हैं हम आपको, किस कदर जलमग्न है। और यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बसें खड़ी होती थी कभी और आज जो है लोग को निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए किस कदर पानी की चारों तरफ आप देख रहे हैं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो ऊपर है ये एक साइड से सवारियां चल रही हैं और दूसरी साइड में जो है पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, बड़ी मुश्किल से आवागमन हो रहा है। यहाँ पर पब्लिक कितनी परेशान है इस दृश्य को देखकर के चलते हुए भी। देखिए किस कदर पानी दिखाई दे रहा है एक साइड में, क्योंकि एक साइड तो गहरी है और एक साइड जो है ऊंची है, इस पर जो है गहरी साइड में पानी भरा हुआ है। जी हाँ, ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो है कश्मीरी गेट का उस हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा है उसकी जो पानी का भाव है, पानी जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो गया है, किस कदर पानी जो है पुल से भी इधर को सब जगह जा रहा है। अब ऐसे में क्षेत्रवासी आने जाने वाले क्या करें क्या ना करें। जी हाँ, इतना खतरनाक मंजर है कि यहाँ पर देखते ही देखते जो है आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना खतरनाक मंजर देखकर। जी हाँ, पानी का बहाव भी इस कदर बहाव है, देखिए कितना तकड़ा पानी जा रहा है। ये फिर वही हम जो है कश्मीरी गेट की साइड पर ले आए हैं। जी हाँ, ये कश्मीरी गेट का वो एरिया है जहाँ पर बसें वगैरह खड़ी होती थी। जी हाँ, और ये दूसरा साइड है जहाँ से जो है भजनपुरे को ये रास्ता जा रहा है। बस ऊंचाई का जो पुल का हिस्सा है वो ही ये समझिए कि आने जाने पर लगा हुआ है, लेकिन इसके जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से आप ये देखिए
पब्लिक ऊपर आकर देख रही है पानी का मंजर, पानी का नज़ारा, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस कदर पानी दिल्ली में पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार कुछ और ज़्यादा पानी है। जी हाँ, और पानी भी इतना ज़्यादा कि देखते ही देखते जो है तबीयत खराब हो जाती है। तो इस मंजर को देखने के लिए और एक नहीं, इस पानी का जो दिल्ली में बहाव हुआ है इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस कदर पानी अभी नहीं देखा था जो आज अभी इस बरसात में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जुलाई का महीना है, 2023 का जलमग्न महीना हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर लोग वीडियो भी बना रहे हैं और पानी का जो है एक तरह से आनंद तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि क्या था और क्या हो गया। यहाँ पर बसों की लाइन लगी रहती थी और इस पुल के भी नीचे देखिए किस कदर पानी का भाव है। ये देखिए नीचे का हिस्सा है ये, और इस पर पानी इतना ज़्यादा है कि ये पानी निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम लेगा। जी हाँ, और ये जो है पानी अभी वर्षा होने पर है, अभी वर्षा और भी होगी, हम आपको दिखाते रहे हैं। फिर देखिए लाल किले का हिस्सा। आदाब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।